सबों का तहे दिल से मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। मित्रों, आप हमारे ध्यान की श्रृंखला को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है इससे पहले ध्यान प्रक्रिया का परिचय मैंने आपसे करवाया, दूसरे वीडियो में ध्यान का महत्व बताया। आज मैं आपको ध्यान के फायदे बताने के लिए प्रयास करूंगा। प्रारंभ करता हूं, पहले ध्यान प्रारंभ कैसे करते हैं फिर से एक बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से बता रहा हूं। इस तरह से हम बैठते हैं, मैंने अपने प्रथम वीडियो में भी ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया पूरे विस्तार में बताया हूं। आज मैं सिर्फ लाभ बताने जा रहा हूं। ध्यान से हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके क्या क्या मानसिक लाभ हैं। शोर और प्रदूषण के इस वातावरण के कारण हम निरर्थक ही कई तरह के तनाव, मानसिक थकान से ग्रस्त रहते हैं और कई बार खेद और दुख की अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। इस ध्यान से तनाव का जो हमारे शरीर पर, मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव है, उससे हम बच सकते हैं। निरंतर अगर हम ध्यान करते रहें, हर दिन सप्ताह में कम से कम 5 बार करते रहें, तो हमारे मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलती है जो कि हमें विश्राम में रहकर भी नहीं मिल सकता है। यह हमारे शरीर को पूर्णतः थकान मुक्त अनुभव कराता है जो कि गहरी से गहरी निद्रा से भी बेहतर और लाभदायक माना गया है। हमारी चिंताएं कम हो जाती है, हमारी समस्याएं छोटी हो जाती है। ध्यान से हमारी चेतना को लाभ मिलता है। यह ध्यान ही है जो हमारे शरीर के मुख्य, जो कि तन, मन और आत्मा, इन तीनों में सामंजस्य रखने का कार्य करता है। हम अपनी भावनात्मक रूप से अस्थिर और परेशान सभी को ध्यान से दूर कर सकते हैं। अपने भीतर से स्वच्छ, निर्मल और शांत रहने का हमें हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। मित्रों, अगर हम इसके शारीरिक लाभ की बात करें तो ध्यान से आपको शुरुआती दौर में मन और मस्तिष्क को विश्राम के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। वहीं शरीर इस ऊर्जा को स्वयं को लाभान्वित कर लेता है। ध्यान करने से शरीर के प्रत्येक कोशिका के भीतर ऊर्जा पहुंचती है, प्राण शक्ति का संचार बढ़ जाता है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें, यह प्रत्येक कोशिका को जीवित कर देता है, सक्रिय कर देता है। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने से हम और भी ज्यादा स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। ध्यान से हाई ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो जाता है, सर दर्द से निजात पा सकते हैं, इससे हमारे प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। हमारे मन में अस्थिर भाव आने लगते हैं, शरीर को यह अस्थिरता और भी ज्यादा मजबूत करता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं ध्यान के आध्यात्मिक लाभ। ध्यान जो भी व्यक्ति करता है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति ही मन और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान हमारे होश पर से भावना और विचारों के बादल को हटाकर शुद्ध रूप से हमें वर्तमान में
ला देता है। ध्यान से काम, क्रोध, मद, लोभ, आसक्ति आदि सभी विकारों से आजीवन छुटकारा मिल जाता है। आजीवन नहीं मित्रों, जब तक हम करते रहेंगे, हमें नियमित रूप से इसे करते रहना है। इसके निरंतर साक्षी भाव में रहने से जहां सिद्धियों का जमा जन्म होता है, वहीं पहुंच करो। मित्रों, आज हमने देखा ध्यान के क्या शारीरिक और मानसिक लाभ है। आप हमारे संपूर्ण वीडियो के देखा, इसके लिए मैं सप्रेम धन्यवाद करता हूँ। फिर अगले कड़ी में मिलते हैं।